में साथ शेयर करूंगी बहुत ही काम की टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके किचन के काम को बना देगी बहुत ही आसान। तो मेरी जो टिप है इलेक्ट्रॉनिक एंड टच स्क्रीन क्लीनर, मेरे सारे व्यूअर्स के मुझसे बहुत क्वेश्चंस थे कि मैं बताऊं किस तरीके से वो अपना LED या LCD या फिर कंप्यूटर लैपटॉप्स इस टाइप की चीजें मोबाइल्स कैसे साफ करें। तो उसके लिए मैं आज क्लीनर बता रही हूं आपको। इस क्लीनर से आप आसानी से कोई भी डिजिटल स्क्रीन LCD टच स्क्रीन क्लीन कर सकते हैं और बिल्कुल ही एक इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगा डिस्टिल्ड वाटर ले लें या फिर आप RO का पानी ले लें जो एक्को गार्ड होता है उसका पानी। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप पानी को बॉईल करें और बॉईल करके बिल्कुल ठंडा कर लें। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब आप उस पानी को यूज करें। ये मैंने लिया है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसको हम जनरल भाषा में रबिंग एल्कोहल भी बोलते हैं। ये वही रबिंग एल्कोहल है जो हॉस्पिटल्स में यूज होता है, सारे टूल्स क्लीन करने में, हैंड सैनिटाइजर में यूज होता है। मैंने अपने चैनल पर होममेड हैंड सैनिटाइजर बनाया था जिसमें मैंने रबिंग एल्कोहल का यूज किया था। बहुत ही इजीली आप घर का होममेड हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं विदाउट एनी केमिकल, वो आप मेरे चैनल पर जाकर हैंड सैनिटाइजर का वीडियो देख सकते हैं। रबिंग एल्कोहल बहुत सारी चीजों में यूज होता है, इसको आप इन जनरल टर्म्स में स्प्रिट भी बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ चाहिए होगा सिर्फ दो चीजें, पानी डिस्टिल्ड वाटर या फिर RO का पानी और रबिंग एल्कोहल। हम यहाँ पर लेंगे एक मेजरिंग जार जिसे हम नापेंगे। पानी मुझे चाहिए होगा सिर्फ 10 ml, मैं 10 ml पानी ले रही हूँ और ये मैं ले रही हूँ रबिंग एल्कोहल। रबिंग एल्कोहल मैं यहाँ लूंगी 50 ml, 50 ml। तो ये मैंने ले लिया है 50 ml रबिंग एल्कोहल, दोनों को मिक्स कर लेंगे और ये हमारा टच स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर बिल्कुल तैयार है होममेड। अब हम इसको एक बॉटल, साफ बॉटल लेंगे, कोई भी आप कांच की या कोई भी आप जार ले सकते हैं छोटा, और उसमें भर करके रख लीजिए। एक बार बनाएंगे आराम से 6 महीने तक ये बिल्कुल सही बना रहेगा। तो ये मैंने इसमें भर लिया है। तो ये हमारा बिल्कुल होममेड टच स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर तैयार है। रबिंग एल्कोहल का यूज मैंने इससे पहले आपको ग्रेनाइट नेचुरल स्टोन क्लीनिंग में भी होममेड क्लीनर बनाया था। एक बार अगर आप परचेज करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों में इसका यूज कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर बनाने में या फिर आप नेचुरल स्टोन क्लीनर या ग्रेनाइट क्लीनर में। बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी होता है। आप बराबर मात्रा में पानी और रबिंग एल्कोहल मिलाइए और किचन प्लेटफॉर्म या कोई भी आप फ्लोर कुछ भी क्लीन कीजिए, सब डिसइंफेक्टेंट हो जाए, सब बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी ये होता है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यानी रबिंग एल्कोहल का मैं ऑनलाइन का लिंक भी दे दूंगी, आप चाहे तो ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लीन करते हैं इससे लैपटॉप की स्क्रीन, हम इवन लैपटॉप के बटन्स भी क्लीन कर लेंगे। सबसे खास बात ये है क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट होता है तो लैपटॉप या मोबाइल जिसमें सभी लोगों के हाथ लगते हैं डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे इस टाइप का एक माइक्रोफाइबर कपड़ा। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है आप सिंपल कॉटन का कपड़ा लीजिए जो रुआ ना छोड़े, बिल्कुल साफ, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है, कपड़ा रुआ बिल्कुल ना छोड़े वरना आप बार बार उसको क्लीन करेंगे और बार बार रुएं आएंगे। तो जो रेशे होते हैं कपड़े के वो नहीं आने चाहिए बिल्कुल, उस टाइप का प्लेन कपड़ा लें। या एक ट्रिक और है, जो आप स्पेक्स यूज करते हैं यानी चश्मे लगाते हैं उनके साथ आपने देखा होगा इस टाइप का एक कपड़ा आता है माइक्रोफाइबर कपड़ा, जैसे ये सनग्लासेस के साथ आया है, बिल्कुल चिकना स्मूथ। आप ऐसे वाले कपड़े से भी पूरा क्लीन कर सकते हैं टच स्क्रीन, जिस चाहे टीवी की हो, लैपटॉप की हो या मोबाइल की। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं या फिर कॉटन कपड़ा भी। अब हमने जो होममेड क्लीनर बनाया था थोड़ा सा वो डालेंगे माइक्रोफाइबर कपड़े पे, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बैट नहीं करेंगे, एकदम थोड़ा सा, और इससे अब हम धीरे धीरे स्क्रीन को क्लीन करेंगे। इस तरीके से हम लैपटॉप की स्क्रीन को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। एक सूखे से कपड़े से हम इस तरीके से इसको बफ कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्लीनर से सारे इसके बटन और पार्ट्स भी क्लीन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा सा लेंगे और सारे बटन्स वगैरह हम क्लीन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप बिल्कुल क्लीन हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन भी, ये देखिए। इसी तरीके से मैम अब हम क्लीन करेंगे मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल भी आप इसी तरीके से
एक माइक्रोफाइबर कपड़े पर हम लगाएंगे थोड़ा सा होममेड अपना टच स्क्रीन क्लीनर और इसको इजीली क्लीन हम हल्के हाथ से, पहले आप स्विच ऑफ कर दें मोबाइल को, स्विच ऑफ करने के बाद आप हल्के हाथ से इसको क्लीन करें, स्क्रीन आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और इसी से आप बैक साइड भी क्लीन कर सकते हैं, पूरा मोबाइल आपका चमचमा जाएगा। और एक सूखे कपड़े से, साफ सूखे कपड़े से जिसमें रुआ ना आए उससे आप इसको पोंछ दें, तो ये लीजिए मोबाइल भी बिल्कुल क्लीन हो गया। और बिल्कुल इसी तरीके से हम डिजिटल फोटो फ्रेम्स जो होते हैं आजकल जो बहुत मिलते हैं, तो उन डिजिटल फोटो फ्रेम्स को भी हम बहुत ही आसानी से इसी से क्लीन कर सकते हैं। क्लीनर लेकर के हल्के हाथ से लगाएंगे और पूरे डिजिटल स्क्रीन को इससे क्लीन कर देंगे। ये बहुत ही एक सुरक्षित तरीका है, इससे स्क्रीन खराब नहीं होती और आपका चाहे वो एप्पल का फोन हो या कोई भी, कुछ भी खराब नहीं होगा। और इसको इस तरीके से हम पूरा क्लीन कर देंगे, ये देखिए, और सूखे कपड़े से एक बार पोंछेंगे, तो ये लीजिए डिजिटल फोटो फ्रेम बिल्कुल चमचमा गया है। इसी तरीके से छोटी डिवाइसेस जैसे कैलकुलेटर वगैरह गंदे हो जाते हैं, रोज में हम यूज करते हैं, तो उसको भी क्लीनर लगाइए एक साफ कपड़े पे और उसको हम पूरा क्लीन कर सकते हैं। कैलकुलेटर की स्क्रीन भी बिल्कुल क्लीन हो गई। इसी तरीके से जैसे ये मेरी वॉच है इस पे भी मैं हल्का सा क्लीनर लूंगी इस तरीके से, और इसको, इसका जो ग्लास है इसको रब कर दूंगी तो ग्लास बिल्कुल चमचमा जाएगा। और एक सूखे कपड़े से हल्का सा पोंछेंगे, ये लीजिए वॉच क्लीन हो गई। एलईडी टीवी आजकल सभी के घर में होते हैं और स्क्रीन काफी गंदी हो जाती है, और अगर हम मार्केट से टच स्क्रीन क्लीनर खरीदते हैं तो काफी महंगा पड़ता है, तो जो मैंने बनाया है टच स्क्रीन क्लीनर, आप आसानी से एलईडी स्क्रीन को भी क्लीन कर सकते हैं। एक माइक्रोफाइबर कपड़ा लेकर के थोड़ा सा क्लीनर लगाएंगे, बिल्कुल ज्यादा क्लीनर नहीं लेना है, थोड़ा ही हमें लेना है, और इस तरीके से हम टीवी को क्लीन करते जाएंगे और टीवी की स्क्रीन बिल्कुल भी खराब भी नहीं होगी। बिल्कुल हल्के हाथ से तो आप देख सकते हैं कि टच स्क्रीन क्लीनर से टीवी की स्क्रीन बिल्कुल स्पॉटलेस हो गई है, एकदम क्लीन और साफ। तो आप एक बार जरूर ये बनाएं क्लीनर। इसी तरीके से जो बच्चों के आजकल डिजिटल लैपटॉप्स वगैरह आते हैं टॉयज, उनकी स्क्रीन को भी आप इसी से क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कपड़े पर सॉल्यूशन लगा करके और इसकी स्क्रीन को इजीली क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हम बिल्कुल पानी से क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन इस क्लीनर से आप बिल्कुल चमका सकते हैं। अब इसी तरीके से इसका जो कीबोर्ड है टॉय का, वो भी हम क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे बेटे ने इस पे पेन चला दिए हैं, ये देखिए ये पेन से उसने ड्राइंग कर दी है, तो इसको भी हम इससे इजीली क्लीन कर सकते हैं, पूरा पेन साफ हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से साफ हो रहा है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का मैंने रब किया और रबिंग अल्कोहल की वजह से ये बिल्कुल क्लीन हो गया। अभी मेरे बेटे ने पेन चला दिया है तो मैं इसको भी इसी से क्लीन कर देती हूँ हल्के हाथ से। देखिए मैंने दो तीन बार रब किया और पेन बिल्कुल गायब। तो इस तरीके से आप बच्चों के जो डिजिटल टॉयज हैं महंगे महंगे, उनको भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे रूम्स वगैरह में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी रहती हैं महंगी, उनका ग्लास भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं एक फ्रेम है, इसको मैं क्लीनर से पूरा क्लीन कर लूंगी, क्योंकि जनरली आप अगर ऑल पर्पस क्लीनर वगैरह इसके लिए यूज करेंगे तो स्पॉट्स आ जाएंगे सूखने पर, लेकिन रबिंग अल्कोहल वाला जो क्लीनर मैंने बनाया है उससे बिल्कुल स्पॉट नहीं आएंगे क्लीनिंग के बाद। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ग्लास इसका क्लीन हो गया है। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।